ठीक है, लास्ट जो लेक्चर अपना हुआ था, उस लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो ईटा है, उसको किस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक ना, लिखने का प्रोसेस पूरा हमने समझाया था कि अगर हमने 1 ईटा 2 लिख दिया है, तो 1 ईटा 2 का सीधा सा मतलब ये है कि रे 1 मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है। ठीक है, यानी कि जैसे 1 ईटा 2 अगर ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि रे जो भी है आपकी लाइट रे, ठीक है ना, वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है, ये इसका मतलब होता है। दूसरा मतलब क्या बताया था हमने कि जो ऊपर आता है उसकी स्पीड ऊपर लिखी जाती है और जो नीचे आता है उसकी स्पीड नीचे लिखी जाती है। ये बेसिक बात थी जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब हमारे सामने देखिए उसी पर एक बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ईटा किसका, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड दैट इज 9/8। ये आपका पहली लाइन कंप्लीट हो गई, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए पूरा स्टेटमेंट को कैसे शॉर्ट में लिखना है, किसका वो नीचे और जिसके रिस्पेक्ट में वो ऊपर। सेकेंड लाइन जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर ऊपर चला गया, कितना है, 3/2। बहुत बढ़िया भाई, ये समझ में आया होगा। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में, ये हमें बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने लिखा और क्वेश्चन को लिखते समय ही उसको कन्वर्ट कर लिया कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें अगर लिखना है, तो हम इसको वी डब्ल्यू, चूंकि वाटर ऊपर है तो वी डब्ल्यू ऊपर आएगा और वी जी नीचे आएगा, एंड दैट इज 9/8। ठीक, और इसी तरीके से अगर इस एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट करेंगे, तो वी ए ऊपर आएगा और वी जी नीचे आएगा, एंड दैट इज 3/2। और अगर हम इनको डिवाइड कर दें, इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम मान लें इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। तो जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में डिवाइड करेंगे, तो देखिए कैसे डिवाइड होगा, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, और इसका डिवाइड होगा वी ए अपॉन वी जी में, और इक्वल इसी तरीके से इधर 9/8 और इसका डिवाइड होगा 3/2 में। तो आप सभी जानते हैं कि डिवाइड करने पर ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और ये पहुंच जाएगा ऊपर, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और ये पहुंच जाएगा ऊपर। और हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको वी डब्ल्यू इंटू वी जी, और डिवाइड में आ जाएगा वी जी इंटू वी ए, एंड दैट इज इक्वल, ये हो जाएगा 9/2 और अपॉन में आ जाएगा 8/3। तो यहाँ तक की बात आई होप कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब नंबर है काटापिटी का, तो फटाफट देखिए, वी जी से वी जी कैंसिल हो चुका है, इधर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इधर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक, तो ये हमारे पास अब क्या आया, ये लिखा हुआ है वी डब्ल्यू अपॉन वी ए, वी डब्ल्यू अपॉन वी ए बचा, और इधर आपका बचा है 3/4। और आप बहुत ध्यान से देखें, वी डब्ल्यू अपॉन वी ए क्या है, ईटा, जो नीचे वो नीचे, जो ऊपर वो ऊपर। ठीक, तो ये है डब्ल्यू ईटा ए, एंड दैट इज 3/4। और आपसे पूछा क्या गया है, ए ऊपर चाहिए और डब्ल्यू नीचे, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो
तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर हमें अप्लाई करना है तो हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसको रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो आप सबको समझ में आ ही चुका है। और अब इसके आगे का जो काम है वो हम करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखिए, चूंकि हमारा डब्लू ईटा ए जो आया है वो है 3/4 और हमें चाहिए ए ईटा डब्लू, तो रिवर्स यानी कि ये हो जाएगा 1/W ईटा A, इसको लिख सकते हैं 1/3/4 और ये हो जाएगा 4/3 एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और मुझे जहां तक लगता है सभी को समझ में जरूर आ गया होगा। अब हमारे पास जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही बेस्ड हैं बेसिकली देखे जाए तो, ठीक ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है सबसे पहले और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि ए लाइट बीम, एक लाइट बीम है, ए लाइट बीम पासेस फ्रॉम मीडियम 1 to medium 2। तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में आप देख सकते हैं ये म्यू 1 लिखा हुआ है। हमने बताया था रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को कभी म्यू से तो कभी जो है ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो रे है वो म्यू 1 से म्यू 2 में जा रही है और फिर वापस वो म्यू 1 में निकल रही है। तो इस तरीके से पहले वो म्यू 1 से इंटर करती है म्यू 2 में और फिर म्यू 2 से वापस आ जाती है म्यू 1 में। सो दैट हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, द इमर्जिंग बीम इज पैरेलल टू द इंसिडेंट बीम। यानी कि जो रे आ रही है, कौन सी रे आ रही है, ये वाली रे आ रही है, ठीक, और कौन सी रे इमर्ज हो रही है, ये वाली रे इमर्ज हो रही है, ठीक है। तो जो आ रही है वो ये रे है और जो इमर्ज हो रही है वो ये रे है। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों रे जो आ रही है और जो इमर्ज हो रही है एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो आप लोगों ने शायद क्लास 6-7 से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा कि पैरेलल अगर हमारे पास लाइंस हैं या रेज हैं तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। उसकी कंडीशन ये होती है कि जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाले एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाएं, ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो ये वाली लाइन 1 और 2 ये दोनों ही लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इसका मतलब अगर हम किसी तरीके से देखिए, ये जो आपको सेकेंड रे दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये जो सेकेंड रे दिख रही है अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें इस तरीके से, इस लाइन को भी बढ़ाते हैं, तो ये जो सेकेंड लाइन है देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये और ये डायग्राम बिल्कुल एक जैसा हो गया, दोनों डायग्राम बिल्कुल एक जैसे हो गए। तो बेसिकली यहां पर क्या लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ है I3 और यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास ये लिखा हुआ है I1। तो हमें करना क्या है, हमें किसी तरीके से ये प्रूफ कर देना है कि I1 और I3 आपस में इक्वल हैं। तो अगर I1 और I3 आपस में इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में ये दोनों रेस पैरेलल हो जाएंगी, दोनों बीम पैरेलल हो जाएंगी। तो अब इसको हम कैसे प्रूफ करें, बस इतनी सी बात है, कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, आपको पता है मीडियम चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले रे जा रही है म्यू 1 से कहां जा रही है, म्यू 2 में। ये देखिए पहले हम इस इंटरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो फर्स्ट इंटरफेस है इस इंटरफेस पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, पॉइंट पी मान लेते हैं। तो पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी, तो पी पॉइंट पर अगर आप ध्यान देंगे तो अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि साइन I1 जो है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन I1 और I2, ठीक। और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ईटा या म्यू, क्योंकि म्यू कह रहा है तो आप म्यू लिख सकते हैं। रे कहां से कहां जा रही है, 1 से 2 में, ठीक।
अब ये वन से टू में जा रही है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं म्यू टू और ये हो गया म्यू वन। ये हमने बताया था नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो ये बात हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। यहां तक की बात सभी को एकदम क्लियर हो गई होगी कि रे म्यू वन से निकल रही है और जा रही है म्यू टू में। और अब इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन की हम बात करते हैं, जब रे म्यू टू से जा रही है म्यू वन में। ठीक, तो जब म्यू टू से म्यू वन में जा रही है, यानी कि हम इस इंटरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमें फोकस करना है पॉइंट क्यू पर। तो एट पॉइंट क्यू, तो चलिए पॉइंट क्यू पर देखते हैं। तो पॉइंट क्यू पर अगर हम यही लॉ लगाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्या होगा, साइन आई टू अपॉन साइन आई थ्री। ठीक, एंड दैट इज इक्वल, रे कहां से कहां जा रही है, ये जा रही है टू से वन में, तो ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर टू। क्या ये एंगल स्मॉल है? बिल्कुल स्मॉल है, क्योंकि चूंकि हमें I1 और I2 हमें दे ही नहीं रखे हैं यहाँ पर, कि I1 क्या है I2 क्या है, हमें वैल्यूज नहीं दिए हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हम I1 I2 और I3 को क्या ले लें, स्मॉल ले लें। तो अगर हम इन वैल्यूज को स्मॉल कंसीडर कर लेंगे, तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन किस तरीके से चेंज होके हमारे पास दिखाई देगी। साइन आई वन की जगह सिर्फ आई वन हो जाएगा, साइन आई टू की जगह सिर्फ आई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन के। ये हो गई इक्वेशन वन। और जो इक्वेशन सेकेंड है वो देखिए कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, साइन आई टू की जगह सिर्फ हो जाएगा आई टू, साइन आई थ्री की जगह सिर्फ हो जाएगा आई थ्री, और ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर। तो बेसिकली हमने क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज कर लिया, क्योंकि हमें एंगल ही तो इक्वल करने थे। अब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इक्वेशन थ्री मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फोर। और जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके सामने जो आपका रिजल्ट था वही आ जाएगा। हमें जो प्रूफ करना था कि I1 दैट इज इक्वल I3, क्योंकि I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है जो मैं प्रूफ करना था कि I1 और I3 इक्वल हैं, तो एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब जो इंसिडेंट लाइट है और जो इमरजेंट लाइट है, ये दोनों ही जो रेज हैं वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन, एंड आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं बहुत शॉर्ट में, ताकि आप समझ सकें कि हमारे पास इस तरीके से जो है मीडियम दिया हुआ था। ये देखेंगे डायग्राम में बहुत ध्यान से, ये एक ब्लॉक है इस तरीके से, और यहाँ पर पहली रे ऐसे आ रही थी आपकी, ठीक, ये टकराई, आपने यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, रे बेंड हो गई, रे बेंड हो करके यहाँ पहुंची, फिर आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और फिर रे इस तरीके से हो गई। आपने ये प्रूफ करना था कि ये जो रे आ रही है, ठीक है, जो एंगल I1 पर है, और ये जो रे निकल रही है, इमर्ज हो रही है, जो एंगल I3 पर है, ये दोनों ही रे आपस में पैरेलल हैं। तो हमने यहाँ पर बेसिक क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ का जो कॉन्सेप्ट था, हमने उसी को यूज किया। हमने मान लिया कि अगर कोई इस तरीके से दो लाइंस हैं, ये देखिए, इसको बढ़ा दें और इसको भी बढ़ा दें ऐसे सीधे एकदम स्ट्रेट, ठीक, तो ये जो तीसरी लाइन ये कट कर रही है, तो यहाँ पर एंगल हमारा दिख रहा है आई थ्री, और यहाँ पर एंगल दिख रहा है आई वन। तो अगर ये I1 है तो ये भी I1 हो जाएगा। तो अगर हम I1 और I3 को इक्वल कर पाए, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, यानी कि जो भी रेज होती है वो सब पैरेलल हो जाती हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक बार हमने पॉइंट P कंसीडर कर लिया, ये हमारा जो पॉइंट है इसको P कंसीडर कर लिया, और इस पॉइंट को Q कंसीडर कर लिया, और सिंपल
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था और सभी लोगों को समझ में आ भी जाता है बड़े आराम से, इसमें ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। अब आगे बढ़ते हैं, हमने दो क्वेश्चन कर लिए और इन दो क्वेश्चंस को करने के बाद अब हमारे पास नया टॉपिक जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है सिंगल रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, यानी कि अपरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, ये सब वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे। अपरेंट डेप्थ का मतलब जो रियल ना हो, इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया आपको अगर याद हो कि जो है मेला वगैरह में आप लोग गए होंगे तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके से एक पर्सन होता है वो एक बकेट लिए बैठा रहता है, ऐसा पुराने जमाने में तो होता था, आप लोगों ने भी अगर देखा हो, और जो है उसमें क्या होता है पानी भरा होता है ऐसे, ठीक है, वाटर ऐसे, ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है और इसके अंदर क्या करता है वो एक मग रख लेता है, एक जग अंदर इसके रख लेता है, ये मान लेते हैं ये जग रखा हुआ है आपका, ठीक, ये अब ये जग है और वो आपसे ये कहता है कि इसमें आप जो है सिक्का डालिए, तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाइन है, ठीक है, और इस क्वाइन को जो आपको क्वाइन दिख रहा है इस क्वाइन को इस जो ये जो हम कह सकते हैं एक छोटा सा आपने जग रख रखा है इस जग के अंदर आपको डालना है ऊपर से देख करके, तो जब आप डालते हैं बिल्कुल एकदम लोग एकदम लाइन ऑफ साइट ऐसे मिला करके एकदम ऊपर से इसको डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिक्का थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक। इसके अलावा दूसरा एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने किया होगा कभी ना कभी जरूर किया होगा कि अगर हम जो है एक बकेट ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारे पास एक बकेट है और इस बकेट में वाटर है, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट वो हैं जो आप लोगों ने किए हुए हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो आपने नहीं किए हैं, ठीक, और अब हम इसमें एक पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है, एक पेंसिल हमने ली और इस पेंसिल को हमने इसमें स्ट्रेट डिप कर दिया, ये हमारी पेंसिल है मान लेते हैं, ठीक है, ये देखिए ये पेंसिल है और जैसे आप इस पेंसिल को इसमें डिप करेंगे तो ये पेंसिल आपको ऐसे लगेगी जैसे बीच से टूट गई, यानी कि ये टूटी हुई दिखाई देगी या ऐसा लगेगी ये पेंसिल आपकी मुड़ गई है, आधी पेंसिल आपकी बाहर है और आधी अंदर है, तो ये आपकी बेंड होके दिखाई देती है। तो एक्चुअल में है क्या, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो पॉइंट दिख रहा है ये वाला, ये पॉइंट अगर हम P बोल दें और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये पॉइंट Q, तो इसका जो रियल पॉइंट है जो एक्चुअल पॉइंट है वो है P, क्योंकि पेंसिल आपकी टूटी तो है नहीं, पेंसिल तो आपने सीधी एकदम इंसर्ट की है, तो जो P है वो आपका एक्चुअल पॉइंट है। फिर व्हाट अबाउट Q, जो Q आपको जो दिख रहा है जो आपकी आंखें देख पा रही हैं वो क्या है, वो अपरेंट पॉइंट है, अपरेंट का मतलब नॉट रियल, वो रियल नहीं है, और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो आपकी आई से यहाँ पर आपकी ह्यूमन आई है, ठीक है ना, और इस आई से जो भी रेज आई है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती हैं तो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, तो रिफ्रैक्शन की वजह से वो अपने पोजीशन को चेंज कर देती हैं, ठीक। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है अपरेंट पोजीशन का या एक्चुअल पोजीशन का, तो अब हम लोग इस टॉपिक को समझने लायक हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायग्राम, यहाँ पर ये जो है आप देख सकते हैं कि ये मीडियम आपको दिखाई दे रहा है, इस मीडियम को आप मान सकते हैं कि यहाँ पर वाटर फिल है, ये देखिए हमने कंप्लीट इसमें वाटर फिल कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रह जाए, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा वाटर है इस तरीके से, ठीक, और इस वाटर में एकदम नीचे बॉटम में जो आपका कंटेनर है उसके बॉटम में ये देखिए यहां पर आपको जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट O, O इज द ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि
आप कह सकते हैं आपने एक सिक्का लिया और उसको नीचे रख दिया। अब जब सिक्का आपने बाल्टी में नीचे जो है बॉटम में रखा हुआ है, तो वो जो सिक्का है वो आपको यहां ना दिख करके आपको कुछ ऊपर दिखाई देगा, यानी कि ये जो आई पॉइंट दिख रहा है ये इसकी वर्चुअल पोजीशन है, वर्चुअल पोजीशन जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या थी इसकी, ये रियल पोजीशन थी जहां आपने रखा था। तो जहां पर आपने रखा है वो जो सिक्का है वो वहां ना दिख करके उससे ऊपर दिखाई देता है, वर्चुअल पोजीशन पे दिखाई देता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आपकी लाइट आती है, आप देख सकते हैं कि ये लाइट आपकी ह्यूमन आई से यहां से चलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहां से ह्यूमन आई से आपकी लाइट आई, या अगर ऑब्जेक्ट से आप बात करें तो ऑब्जेक्ट से रे इस तरीके से आई, ठीक है। जो आपको इजी लगता है आप वैसे समझ सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट से हम माने कि लाइट निकल रही जो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है, तो ऑब्जेक्ट से जब लाइट निकली होगी तो जब तक वो वाटर में ट्रेवल की तब तक तो स्ट्रेट लाइन सीधी गई, लेकिन जैसे यहाँ बी पॉइंट पे पहुंची तो मीडियम चेंज हुआ। ऊपर मीडियम क्या है, एयर, नीचे क्या है, वाटर। जब मीडियम चेंज हुआ तो रे क्या हो गई, ये देखिए नॉर्मल से दूर हट गई, नॉर्मल से दूर हट गई क्योंकि ऊपर रेयर मीडियम है, ठीक। तो रे इस तरीके से आ रही थी धीरे धीरे, बी पर पहुंची, इंटरफेस पे पहुंची, और इंटरफेस पे पहुंच करके नॉर्मल से दूर हट गई। लेकिन हम लोग हमेशा किसी भी चीज को हॉरिजन में देख पाते हैं, हॉरिजन का मतलब स्ट्रेट लाइन में। तो इस आई के रिस्पेक्ट में अगर हम इस लाइन, ये जो रे आ रही है, ये जो रिफ्रेक्टेड रे है, इस रिफ्रेक्टेड रे को अगर हम ह्यूमन आई के लिए देखें तो इस रे को अगर हम सीधा बढ़ा दें, हॉरिजन पे बढ़ा दें, तो ये लाइन यहां पर मिल रही है। तो इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट इस जगह ना दिख करके हमें किसी नई पोजीशन आई पर दिखाई देता है। तो जो सिक्का आपका जमीन में पड़ा हुआ था, बॉटम में पड़ा हुआ था, वो ओ पोजीशन पे पड़ा हुआ था, वो ओ पर ना दिख करके आई पर दिखा। उसका रीजन है हमारी आंखों की एबिलिटी, क्योंकि हम अपनी आंखों से केवल स्ट्रेट लाइन में ही देख पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट से जब रे चली तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे हो गई बेंड, और जो हमारी आई से रे चली उसने एकदम स्ट्रेट पाथ में जब देखा तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दी। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि रिफ्रैक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है, वो ना मिल करके हमें उसकी एक अपरेंट यानी कि एक वर्चुअल पोजीशन मिलती है। अब अगर हमें ये फाइंड करना है कि भाई ये वर्चुअल पोजीशन क्या है, कितनी है, कैसे है, तो इसको भी निकालने का बहुत आसान सा मेथड है, बहुत आसान सा तरीका है। रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, इतनी सी बात तो श्योर है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। और अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आप बगैर दिमाग लगाए कुछ मत कीजिए, सीधे पॉइंट पहुंच जाइए बी पर। हम पॉइंट किस पे पहुंच गए, बी पर। ये देखिए पॉइंट बी जो आपको दिख रहा है, तो हम लिख रहे हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। और इस बी पॉइंट पर हम देखिए क्या लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन आर क्यों, क्योंकि रे कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से जा रही है एयर में, तो इसके लिए एंगल नॉर्मल से मेजरमेंट किया जाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आर, तो हमने लिखा साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि आई हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल ईटा या म्यू जो भी आप कहें, और जो वो है वो क्या है, वाटर से एयर में। ध्यान समझ रहे हैं ना, आर साइन आर ऊपर हो गया, साइन आई नीचे हो गया, क्योंकि रे जा रही है वाटर से एयर में, तो वाटर का एंगल है आर और एयर में एंगल है आई, तो साइन आर अपॉन साइन आई दैट इज डब्ल्यू ईटा ए, ठीक। ये चीज आपको बिल्कुल समझ आई होगी कि हमने सिंपल रिफ्रैक्शन का लॉ यहाँ पर अप्लाई किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप लगा दें तो हम इसको लिख सकते हैं साइन आई अपॉन
साइन आर इक्वल वन अपॉन ईटा डब्ल्यू ऊपर हो जाएगा, डब्ल्यू नीचे हो जाएगा और ए ऊपर हो गया। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर वन। चूंकि फिर से वही चीज, हमें एंगल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि जो एंगल है वो बहुत छोटे हैं, जो एंगल आई है आर है वो बहुत छोटा एंगल है, तो इसको हम सिंपल आई और इसको सिंपल हम लिख लेते हैं आर, और इसको सिंपल लिख लेते हैं ए ईटा डब्ल्यू, दैट इज योर इक्वेशन नंबर टू। तो ये तो हो गया रिफ्रैक्शन का पॉइंट, पॉइंट बी। और अब हमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, तो उसके लिए हम एक ट्राइंगल देखिए सपोज कर रहे हैं। ट्राइंगल एक हमारा जो है ए आई बी, यानी कि वर्चुअल पोजिशन वाला ट्राइंगल है, और इससे हम टेन आई फाइंड कर सकते हैं। टेन आई परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी, ए बी इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज ए आई। और इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल सपोज कर लेते हैं ए बी ओ, तो यहां से हमें मिल जाता है टेन आर, तो टेन आर इज परपेंडिकुलर ए बी और बेस इज ए ओ। और इसको भी अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो यहां से हमें मिलता है आई अपॉन आर। देखिए टेन हटा दिया मैंने, साइन और टेन अगर एंगल स्मॉल होते हैं तो हटा दिए जाते हैं, ये आपको पता है। तो अगर हम आई अपॉन आर फाइंड करें तो आप देख सकते हैं ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ए ओ अपॉन ए आई, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर थ्री। तो ये जो पोर्शन हमने सॉल्व किया ये सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, और ये जो पोर्शन हमने सॉल्व किया ये सिंपल फिजिक्स है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट और मैथ का जो लॉजिक है इसको अगर हम मिला दें, यानी इक्वेशन टू और थ्री को अगर हम बैलेंस कर दें, तो आप देखिए क्या मिलेगा हमें। इसको हम फटाफट रफ कर देते हैं, और अगर हम इनको आपस में मैच कर दें, इक्वेशन कौन कौन सी, इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, इक्वेशन टू और थ्री से हमारे पास आ जाएगा ए ओ अपॉन ए आई, एंड दैट इज वन अपॉन ए ईटा डब्ल्यू। ठीक, व्हाट इज ए ओ, ए ओ ए से ओ तक की, दैट इज रियल डेप्थ, ये है आपकी रियल डेप्थ अपॉन ए आई, ए आई इज योर वर्चुअल डेप्थ जिसे अपरेंट डेप्थ कहते हैं, वर्चुअल डेप्थ, एंड दैट इज इक्वल वन अपॉन ए ईटा डब्ल्यू। तो ये हमारे पास बन गया फार्मूला। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ। तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आना चाहिए था, कि अगर हमें रियल डेप्थ दी हो और वर्चुअल डेप्थ हमें फाइंड करनी हो तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहां तक मुझे लगता है। अब तो क्या करने वाले हैं, इसी चीज को जो हमने आपको अभी समझाया डेरिवेशन फॉर्म में, इसी को एक क्वेश्चन के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ये चीज एकदम माइंड में सेट हो जाए। कि मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक बकेट लिया। ठीक, ये हमारे पास एक बकेट है। ठीक, और इस बकेट के बॉटम में हमने कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा कॉइन है जो इसके कहाँ पे रखा हुआ है, बॉटम में रखा हुआ है। ध्यान से समझेंगे चीजों को, ये हमारा कॉइन है, सिक्का है जो कि बॉटम में रखा हुआ है। इसमें वाटर फिल कर देते हैं, ये देखिए ये हमने वाटर फिल कर दिया। ठीक, इस तरीके से। तो ये जो सिक्का रखा हुआ है यहां से लेकर के यहां तक की जो डेप्थ है वो सपोज 2 मीटर है, 2 मीटर है इसकी ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि 2 मीटर की गहराई में इस सिक्के को डाल दिया गया है। तो ये सिक्का हमें जाहिर सी बात है कहीं ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, मान लेते हैं कि सिक्का हमको इस पॉइंट पी पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो गहराई है पी पॉइंट की, ये एक्स है जो कि वर्चुअल गहराई है,
और ये जो गहराई आपको दिख रही है यहां से यहां तक की, जिसको हम 2 मीटर बोल रहे हैं, ये इसकी रियल गहराई है, रियल डेप्थ, ठीक है ना। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया था कि जो डेप्थ है वर्चुअल डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ जो हमने किया था वो हमारे पास रियल डेप्थ में म्यू का डिवाइड करने से आता है, और जो इसका म्यू है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो है 1.33। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो रियल डेप्थ हो गई 2 और म्यू हो गया 1.33, ठीक। तो ये डेसिमल हटा लिया, 2 जीरो ऊपर बढ़ गए, तो ये लगभग 1. समथिंग कुछ लगभग में आएगा, तो अप्रोक्स में 1 मीटर बिलो आपको ये सिक्का दिखेगा, लगभग हम ऐसा बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में वो सिक्का कहाँ था, 2 मीटर की गहराई पे था, लेकिन वो 2 मीटर की जगह हमें 1 मीटर के लगभग ही दिखाई देता है, यानी कि ऐसा लगता है कि वो सिक्का बॉटम से ऊपर उठ के आ गया है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से भी समझाया, और मुझे जहां तक उम्मीद है आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक छोटी सी टेक्निकल चीज यहाँ पर हमने लिख रखी है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप इस चीज को याद रखें कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो फार्मूला है, ठीक है, इस फार्मूले को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, ये जो फार्मूला दिख रहा है इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये एक छोटा सा फार्मूला है, या हम कहें की पॉइंट है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यहां से लेकर के और यहां तक मीडियम म्यू वन है, फिर उसके नीचे कुछ डिस्टेंस तक मीडियम म्यू टू है, फिर उसके नीचे म्यू थ्री है, तो ये जो डिस्टेंस है वो है डी वन, ये जो डेप्थ है वो है डी टू, ये जो डेप्थ है वो डी थ्री, यानी कि डी वन डेप्थ में म्यू वन भरा गया है, डी टू डेप्थ में म्यू टू भरा गया है, और डी थ्री डेप्थ में आपका जो है म्यू थ्री भरा गया, यानी कि 3 लिक्विड भर दिए गए हैं, और फिर आपके बॉटम में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दी गई है। ये क्या रख दिया गया है, ऑब्जेक्ट। तो अब हमें उसकी अपरेंट यानी कि वर्चुअल डेप्थ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमने अभी देखा था कि जो डी अपरेंट होती है, जो अपरेंट डेप्थ होती है वो रियल डेप्थ में म्यू का डिवाइड करने से मिलती है, तो चूंकि यहां पर 3 म्यू हैं, तो उन तीनों को हम अलग अलग क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं और फिर तीनों को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास अगर 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी मीडियम्स हैं, अगर उनको आपस में इस तरीके से सेटअप कर भी दिया जाता है, तब भी आप डायरेक्ट उतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को यूज करके और अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। तो ये की पॉइंट था जो आपके बोर्ड के लिए तो नहीं, लेकिन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल कर लिया है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, ठीक है।